हैं मनमोहन तिवारी और आज हम ग्राम पंचायत कारीकोट में हैं, जहां पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कारीकोट केशव राम चौहान द्वारा ये बाजार का निर्माण कराया गया है। और जो ये ग्रामीण जो ये व्यापारी पहले वर्षा हो या जाड़ा हो या गर्मी हो इसको सहन करते हुए अपना बाजार आकर सामान खरीदते थे और व्यापारी अपना बाजार में सामान बेचते थे, उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर करवा दी गई है, जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि केशव राम चौहान के द्वारा कराया गया है। कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान द्वारा जो ये काम कराया गया है ये काफ़ी सराहनीय काम है और काफ़ी सम्मानजनक काम है जिसे आज कराया गया है। आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर व्यापारी जो है वो सुरक्षित अपना सामान बेच रहे हैं, भीगने का खतरा नहीं है, बारिश का मौसम है, लेकिन आज यहाँ बाजार फंसी हुई है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि केशव राम चौहान को जाता है, नहीं तो लोग वर्षा जाड़ा गर्मी सहकर मेन मैदान में ये बाजार लगाते थे। और आज ये बाजार जो है काफ़ी सजा सवरा है, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय ग्राम पंचायत प्रधान को ही जाता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, व्यापारियों से बात करेंगे, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात करेंगे कि आखिर क्या क्या सुविधाएं उनको मिल रही हैं। हमारे साथ में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कारीकोट केशव राम चौहान जी हैं, जिनकी पत्नी पार्वती देवी जी यहाँ की ग्राम प्रधान है और प्रतिनिधि जी हमारे साथ में हैं। सर, ये जो बाजार हाट बनाया है ये कब निर्मित हुआ और यहाँ बाजार लगाने का क्या क्या लाभ है? यहाँ मेला भी लगता है जी, ये जो मार्केट बन गई है जी, ये तो पानी के लिए धान के लिए, यहाँ दुकानदार ग्राहकों के लिए फायदा है जी, मेला में आंधी तूफान आ जाते हैं जी, मेला के लिए भी फायदा है जी, यहाँ गंगा दशहरा होता है, विजय दशहरा होता है, उसमें काफी लाभ करेगा। यानी कि जो व्यापारी हैं वो काफ़ी सुरक्षित हैं? हाँ, काफ़ी सुरक्षित है। तो लोग आपको तो बड़ा अभी हम बात किए बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, काफ़ी मशक्कत आपने किया है, तो थोड़ी जगह कम पड़ रही है, आगे जो और है इसी साइज में जी चौथा और बनाया जाएगा। और बनाया जाएगा? हाँ, चौथा और बनाया जाएगा। अरे वाह, यानी कि आप जो ये व्यवस्था है हाँ, ये ग्राम वासियों को ध्यान में रख के करवाया हाँ, उनके लिए है। तो आप ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात कर रहे थे, एक नज़ारा हम आपको और दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ काफ़ी सुरक्षित लोग सब्जियाँ खरीद रहे हैं और व्यापारी अपनी सब्जी को सुरक्षित रूप से बेच रहे हैं, क्योंकि भीगने के बाद इनकी सब्जी सड़ जाती, लेकिन अब ये जो प्रतिनिधि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खड़े हैं यहाँ हमारे सामने, इनका सबसे पहला मोटिव जो था, सबसे पहला जो काम था वो इसी पर था। यहाँ पहले प्रधान जी कितना बड़ा गड्ढा था यहाँ जहाँ बाजार में? यहाँ जो दीवार नीचे न्यू है जी, 6 फुट है नीचे, 6 फुट तो 6 फुट नीचे गड्ढा था, प्रधान जी ने इसको पटाया, इस पर बाजार बनवाया। कहीं ना कहीं ये जो ग्रामीण हैं इनके लिए काफी अच्छी व्यवस्था की गई और यहाँ पर शाम होने पर लाइट की भी व्यवस्था की गई है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि केशव राम चौहान जी द्वारा जो एक काम कराया गया इसकी प्रशंसा पूरा कारीकोट ग्राम पंचायत ही नहीं अपितु पूरा न्याय पंचायत कर रहा है, क्योंकि ऐसा बाजार हाट जहां पर लाइट से लेकर के सारी सुविधाएं हों कहीं देखने को नहीं मिल। ये मास्टर साहब है, मास्टर साहब से बात करेंगे। गुरु जी, पहले आप सब्जी लेने कहां जाते थे? जी यहीं आते थे। यहीं आते थे जी। तो वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में आपको जाड़ा गर्मी वर्षा सहना पड़ता था जी, आज क्या माहौल है? बिल्कुल बिल्कुल, आज इस उम्मीद से आए थे कि आज बारिश हुई है तो क्या पता बाजार लगी है ना लगी हो, लगी है तो दुकानें कम हो जी। यहाँ जैसे ही आया आज का माहौल लेकर रोज के पीछे आज बाजार ज्यादा ही अच्छी लग रही है और ज्यादा दुकानें हैं, ज्यादा लोग आए हैं। यानी आपका यहाँ का जो माहौल है वो काफी सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? निश्चित रूप से हमारे ग्राम प्रधान ग्रामवासियों को, जिनके सहयोग से बाजार यहाँ पे लग रही है। तो और भैया हैं, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमानंद है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला हूँ। अच्छा, कारीकोट के हैं जी, जी, जी। तो भैया क्या माहौल है आज का बाजार का? सुंदर है, बहुत अच्छा वातावरण है, क्योंकि पहले बरसात हो रही थी, बरसात में बाजार नहीं लग पा रहा था जी, इसलिए यहाँ जो हाट बाजार बना हुआ है सरकारी फंड से जो बना हुआ है जी, हम लोग चाहे बहुत अच्छा, हमें बहुत सुंदर लग रहा है ये कि प्रधान के द्वारा ये कर कमलों द्वारा जो ये बना हुआ है बहुत अच्छा बना, और हमें दुकानदारों को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका। यानी जो पहले सब्जियाँ भीग जाती थी, सड़ जाती थी, अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। अब बरसात हो या कुछ भी हो, हमारे दुकानदार भी सुरक्षित है और सब्जी लेने वाले भी सुरक्षित हैं। मंडी में सब्जी लगाए हुए हैं आप, व्यापार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है?
इस मंडी का निर्माण किसने कराया? प्रधान जी ने कराया। तो यहाँ सुरक्षित हैं आप? हाँ सुरक्षित हैं। तो ये व्यापारी थे और ये एक व्यापारी यहाँ और हैं। अच्छा ये बताइए, पहले आप लोग कहाँ लगाते थे? मेला मैदान में लगाते थे। तो जब वर्षा आती थी तो कहाँ जाते थे? वहीं पे बिकते थे। और क्या करते? वहीं बिकते थे। अब क्या माहौल है? अच्छा है माहौल। अच्छा माहौल है, यानी आप सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं। तो ये व्यापारी हैं जो अपनी बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका जो सामान था वो वर्षा के कारण भीगने से बच जाता था, जब तो सड़ जाता था, लेकिन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा जो ये काम कराया गया, ये जो बाजार मंडी बनवाई गई, इससे व्यापारी तो खुश ही हैं। जो यहाँ बाजार में सामान लेने आते हैं, सब्जी लेने आते हैं, वो भी काफ़ी खुश हैं। देखिए।